हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो जिसकी हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है अपने चारों ओर देखने के लिए। मतलब जितने हमारे मटेरियल्स ऑब्जेक्ट होते हैं या कुछ, क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी खुद की लाइट है, जिनकी हेल्प से हम वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है। तो ऐसे लाइट की हमें क्या करती है, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि चार अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ होती है उनको देखने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं कि जिनकी खुद की लाइट होती है और जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरे को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और सेकंड को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी क्या होती है, खुद की लाइट होती है। क्या होती है? खुद की लाइट होती है। जैसे हमारे हो गया सन, हो गया स्टार, हो गए और हमारे ट्यूब लाइट्स होगी, फायर होगी, हमारी कैंडल्स होगी। ऐसे मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी खुद की क्या है, लाइट है, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है। मतलब उनको अदर ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अपनी लाइट को खुद एमिट नहीं करते, डोंट एमिट लाइट, मतलब इनकी खुद की लाइट नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे जैसे ट्री हो गया, टेबल होगी, चेयर होगी, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या है, उनकी खुद की लाइट नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनकी खुद की लाइट होती है ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हमें देखो, जैसे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस को इजी से समझने के लिए, जैसे एक बल्ब है तो, या फिर सन है, उसकी क्या है, खुद की लाइट है, तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो दिन में हम मान लेते हैं कि नॉन ल्यूमिनस हम ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखते हैं, कि मान लेते हैं कि ये क्या है, सन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ये क्या है, फ्लावर है। तो हमें क्या, हमें ये फ्लावर दिन, हम इसको दिन में देख रहे हैं, तो हमें कैसे दिख रहा है ये, हम इसको कैसे देख पा रहे हैं? तो क्या है, सन की क्या होती है, खुद की लाइट होती है। तो सन क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, फॉल करेगा किसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर। तो जैसे ही लाइट फ्लावर सन से आएगी फ्लावर के ऊपर, तो जो फ्लावर है लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ऑल डायरेक्शन में। क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे मान लेते हैं एक हम हैं, तो वो क्या करेगा, जैसे ही इस इंसान की, मतलब इस जो हम खड़े हैं यहाँ पे, जैसे ही इसकी आईज में क्या जाएगी, इस जो फ्लावर ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया है, जैसे ही हमारी आंखों में पड़ेगी तो हमें क्या दिखेगा, फ्लावर दिखेगा। तो हमें किसकी वजह से दिखा है, नॉन, जो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या देख रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही जैसे हम रात को, रात में हम क्या चले जाते हैं, एक डार्क रूम में चले जाते हैं, और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे चेयर, टेबल, सोफा सेट, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं रूम में। तो जैसे हम, जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन हम जैसे ही लाइट को ऑन करते हैं, तो जब हम लाइट को ऑन करेंगे, तो लाइट को हम ऑन करते हैं, तो जो सोफा सेट है, मान लेते हैं कि एक सोफा सेट है या फिर चेयर है, तो चेयर के ऊपर क्या, जैसे ही लाइट ऑन की तो चेयर के ऊपर क्या गया, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लाइट इस चेयर के ऊपर फॉल किया, तो लाइट जो चेयर है इसने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट किया ऑल डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम, जब उसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया और हमारी आईज में जैसे ही वो लाइट, जो लाइट चेयर ने रिफ्लेक्ट की है हमारी आंखों में पड़ी, तो हमें क्या दिखा, हमें चेयर को देखा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो जो हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमें कैसे दिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस। तो इस, ये थे कुछ बेसिक्स कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि मतलब टकराना,
कि रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ी तो हमें क्या दिखा कि ये चेयर है, ये फ्लावर है। तो जब हम अब स्टडी करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट ऑफ द सेम मीडियम एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट ऑफ द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, मतलब मान लेते हैं कि एक सरफेस है हमारा, ये क्या है, एक सरफेस है, हमने क्या किया इस पे हमने एक रेज को, मतलब एक लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट की, लाइट को फॉल कराया हमने। तो जैसे ही ये क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जैसे ही हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल किया तो ये लाइट ने क्या किया, मतलब बाउंसिंग बैक, मतलब दोबारा से इसने क्या किया, स्ट्राइक किया लाइट के ऊपर और बैक हुई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब जैसे ही हमने लाइट फॉल करवाई किसके ऊपर, हमने लाइट फॉल करवाई, मान लेते हैं यहाँ पे या तो कोई मिरर है या कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसके ऊपर लाइट को क्या कराया, फॉल करवाया, तो लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। तो लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, किससे, बाय द मिरर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, द सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट, मतलब ये एक सरफेस है जिससे ये टकरा के आई है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। इसके बाद है कि जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन सा है, कि मान लेते हैं कि क्यों, क्योंकि हमने इस एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हमने लाइट को रिफ्लेक्ट करवाया है, तो जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है वो है सिल्वर मेटल, कि जो सिल्वर का मेटल है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है किसके लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो हमने क्या करवाया कि ये क्या थी, हमारी एक लाइट थी, ये हमने इसके ऊपर क्या किया, इसको फॉल करवाया, तो हम इससे जो लाइट हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करवाई है इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इसके बाद ये इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट हो, और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है इस लाइन, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और जो ये बीच, जो ये डॉटेड डॉटेड वाली लाइन है इसको कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब जिस पॉइंट से ये लाइट जो हमने फॉल करवाई थी, जिससे ये टकराई है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो मेरी इंसिडेंट रे है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये वाली लाइन है, और जो मेरी इंसिडेंट रे है, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको डिनोटेड करते हैं आई से, और उस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे जो फ्लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको डिनोटेड करते हैं स्मॉल आर, और उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो छोटी छोटी सी टर्म है कि इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। हमें पता लगे कि इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट क्या होती है, कोई भी रेज को जब हम फॉल करवाते हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ये क्या है, मेरा मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब हम किसी भी रेज को क्या करवाएंगे, फॉल करवाएंगे किसके ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो उस रेज को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। सेकंड है रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट वो लाइट होती है जो रिफ्लेक्ट होने के, किसके, रिफ्लेक्टेड बैक आती है किससे टकराने के बाद, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट बैक आती है उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। इसके बाद है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज, और उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से।
इसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। और इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये था एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, इंसिडेंट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं। इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं। क्या होते हैं? टू लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या होते हैं? दो लॉ होते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? इंसिडेंट रेज, कि जो मेरी इंसिडेंट रेज है और जो मेरी रिफ्लेक्टेड रेज है, कौन कौन सी? जो मेरी इंसिडेंट रेज है, जो मेरी रिफ्लेक्टेड रेज है एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब इसको हम ओ ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम ओ बी कंसिडर कर लेते हैं, मतलब ओ ए और ओ बी और ये वाला पॉइंट और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे के सारे क्या करने चाहिए? सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। क्या करने चाहिए? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये नहीं कि अगर मेरा ये वाला मिरर है, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इतना है और मेरी रिफ्लेक्टेड ये रेज यहाँ आ जाए और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके लॉज है, तभी रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो तभी सेटिस्फाई करेगी जब ये मेरे दो लॉ हैं ये सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसी सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए, ना इसके आउटसाइड होनी चाहिए ना इसके इनसाइड होनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन। इसके बाद है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दैट मीन्स अगर मेरा ये मेरा क्या एक मिरर है, ये मेरा क्या एक सरफेस है, ये क्या है, मान लो कि मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर जैसे ही लाइट गई जिस इंसिडेंट एंगल से गई है, मान लेते कि ये एंगल जो मेरा इंसिडेंट एंगल है वो मेरा 35 डिग्री है और ये इस एंगल के साथ इसने रिफ्लेक्ट किया है आर, मतलब आर इज इक्वल टू 35 डिग्री, मतलब इंसिडेंट एंगल मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अगर मेरा ये दोनों अलग अलग है, मतलब अगर इंसिडेंट एंगल मेरा 35 है और रिफ्लेक्टेड एंगल मेरा 45 डिग्री है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। ये थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है इमेज की, इमेज क्या होती है? कुछ दो टाइप की होती हैं, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल और वर्चुअल इमेज स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इमेज क्या होती है। इमेज क्या होती है कि जैसे ही हम अपने फेस को क्या करते हैं मिरर में देखते हैं तो हमें क्या दिखती, पिक्चर दिखती है, वो क्या होती है? हमारा फेस होता है वो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक इमेज बोलते हैं, मतलब अपने आप का एक मिरर में फेस दिखना, अपना फेस दिखना, तो वो क्या होता है? एक इमेज होता है। तो जो इमेज होती है वो टू टाइप की होती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। तो जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है कि रियल इमेज कब ऑब्टेन होती है और वर्चुअल इमेज कब ऑब्टेन होती है? तो जो रियल इमेज होती है मेरी वो क्या होती है, वो कब अपीयर होती है? ये जैसे मेरी स्क्रीन होती है, मतलब इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जैसे मेरा सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में जो एक्टर्स या एक्टर्स हीरो या हीरोइंस जो हमें पिक्चर्स में, मतलब जो हमारे स्क्रीन पे दिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। वो क्या है? रियल इमेज फॉर्म्ड होती है, मतलब व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म एट दैट पॉइंट इज नोन एज ए रियल इमेज। मतलब कि जब इमेज कब ऑब्टेन होती है?
ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, मतलब एक स्क्रीन के ऊपर जो हमें एक्चुअल में दिखने, जैसे सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल इसका रियल इमेज का बेस्ट एग्जांपल है कि जो सिनेमा हॉल में जो हम इमेज देखते हैं उन सामने बैठ के, तो वो हम क्या देखते हैं, एक रियल इमेज देखते हैं। तो रियल इमेज कैसे ऑब्टेन होती है, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होती, वो खाली क्या होती है, एक अपीयर होती है। मतलब जैसे हम मिरर के सामने, नॉर्मल एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो वो खाली क्या होता है, हमारा एक वर्चुअल इमेज होती है। वो वर्चुअल होती है, वो एक इल्यूजन होता है, मतलब एक भ्रम होता है कि हाँ ये है, लेकिन वो क्या होती है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या है, कुछ डिफरेंस है ये हमें बताना चाहिए। कि सबसे पहले तो क्या है कि जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, जो मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलती है, उससे क्या फॉर्म होती है, एक रियल इमेज फॉर्म्ड होती है। और जब व्हेन ए रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एट ए पॉइंट बट अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड। मतलब ऐसा किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, बट ऐसे डॉटेड डॉटेड में जाके उसको वर्चुअली, मतलब एक इमेजिन करके अगर हम उसको बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होती है, लेकिन वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेकिन वर्चुअल इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होती है, बिहाइंड द मिरर। जो रियल इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज आगे अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे वर्चुअल इमेज होती है, मतलब वो रियल में नहीं होती, वो हमारी एक अजम्पशन होती है, हम अज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। इसके बाद जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, दैट मीन्स वो अपराइट होती है। इसके बाद जो रियल इमेज होती है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, कौन कौन से मिरर लगते हैं या लेंस है, मिरर, अभी हम मिरर स्टडी करेंगे, फिर लेंस, मतलब कैसे रियल इमेज फॉर्म्ड होती है। सबसे पहले जो कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है, ये हमेशा क्या फॉर्म्ड करते हैं, रियल इमेज फॉर्म्ड करते हैं। और जो मेरी वर्चुअल इमेज होती है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, बाई कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस। ये थे आज के टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक और है कि इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो एक स्फेरिकल मिरर की इमेज कैसे होती है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरा ये क्या, एक स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, मेरा एक स्मूथ सरफेस है, जब हम इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बीम क्या जाती है, एक डायरेक्शन में जाती है, मतलब उनका जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस केस में इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, किस में, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सरफेस को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब जिसका स्मूथ सरफेस हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे मेरा ये क्या है, एक सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये मेरा रफ सरफेस है, तो जैसे हम इसके ऊपर पैरेलल रेज ऑफ लाइट डालते हैं, तो ये सब क्या जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मेरा क्या है, इस केस में इंसिडेंट एंगल नॉट इक्वल है रिफ्लेक्टेड एंगल के, किस केस में, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन के केस में। इस जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे वहां पे हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इसमें इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है और इसमें नहीं होता। ये थे आज के टॉपिक, थैंक यू।